दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिले कंपनसेशन अर्थात विलंब भत्ता क्या होता है और ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है और कितना दिया जाता है। देखिए, मस्टर रोल समाप्त होने के पश्चात यदि 15 दिन के भीतर उस मजदूर का पेमेंट नहीं होता है तो उसे डिले कंपनसेशन देना अनिवार्य रहता है। हालांकि डिले कंपनसेशन के लिए मजदूर को कहीं आवेदन नहीं करना पड़ता, वेबसाइट के माध्यम से ऑटोमेटिकली यह उनके अकाउंट में चला जाता है। हालांकि यह विलंब भत्ता की राशि बहुत ही कम होती है, तकरीबन 0.05%। अर्थात यदि 10,000 का पेमेंट डिले हुआ है तो तकरीबन उसे 50 रूपए ही डिले कंपनसेशन मिलता है। हालांकि जो भी ग्राम पंचायतें पेमेंट रिलीज करने में डिले करते हैं, शासन की ओर से उन पर कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाती है। यह डिले कंपनसेशन किन किन व्यक्तियों को दिया गया है यह आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डेमो वीडियो बनाया है, तकरीबन 2 या 3 मिनट का है। परंतु वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। और जब आप यह बगल वाली घंटी के बटन को दबाते हैं तो देखिए इस प्रकार एक ऑल का भी बटन आता है, आप इसमें भी क्लिक कर लें। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न और क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मनरेगा के अपडेट्स के लिए एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशन, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मनरेगा के अपडेट्स के लिए प्लीज आप इसमें भी ऐड हो जाइए। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सर्च करिए narega.nic.in, इसे आप कट कर दीजिए। आप इसके ओल्ड वर्जन पर सिंगल क्लिक करें, इसे भी कट कर दीजिए। MIS रिपोर्ट पे क्लिक करें, कैप्चा कोड के यहाँ एंट्री कर दीजिए। मैं यहाँ पे 25-15 10 लिख देता हूँ। तत्पश्चात आप वेरीफाई कोड पे क्लिक करें। चूंकि हम डिले कंपनसेशन वर्ष 2020-21 में देख रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर में वही रहने देता हूँ। स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस डेमो वीडियो के लिए मैं पंजाब सिलेक्ट करता हूँ। चूंकि डिले कंपनसेशन की जानकारी हमें R14 पे मिलती है तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। देखिए R14 पे हमें लिखा वो दिख रहा है डिले कंपनसेशन। आपको यहाँ सबसे पहले जो लिखा हुआ दिख रहा है डिले कंपनसेशन, आप इस पे क्लिक करें। चलिए हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं जिससे हमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स दिखने लगे। इस डेमो वीडियो के लिए मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं होशियारपुर पे क्लिक करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। देखिए इस डिस्ट्रिक्ट में कुल 10 ब्लॉक्स हैं। आप यहाँ 7वें नंबर पे देखिए कोई महिलपुर ब्लॉक है जहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट करीब 20,190 का डिले कंपनसेशन है। तो इस डेमो वीडियो के लिए हम महिलपुर ही सिलेक्ट करते हैं। देखिए काफी बड़ा ब्लॉक लगता है क्योंकि इसमें तकरीबन 150 ग्राम पंचायत। देखिए कॉलम नंबर 13 पे जिन भी लोगों को डिले कंपनसेशन दिया गया है उनका अमाउंट यहाँ पे शो होने लगता है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर 24 पे देखिए कोई बिछोही ग्राम पंचायत है जहाँ पर तकरीबन 1400 रूपए का डिले कंपनसेशन दिया गया है। इस शीट में हमें केवल अमाउंट दिखता है। यदि हम देखना चाहें कि किन किन लोगों को यह डिले कंपनसेशन दिया गया है तो हमें देखिए यहाँ पे जो 1400 नीले अक्षरों में एक हाइपरलिंक दिख रही है इस पे हमें क्लिक करना होगा। तो मैं 1400 पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। मैं स्क्रॉल डाउन करके इसे नीचे लाता हूँ। यहाँ पर देखिए तकरीबन 110 लोगों को यह डिले कंपनसेशन दिया गया है। अब हम स्क्रॉल डाउन करके एकदम ऊपर आ जाते हैं। ये शीट थोड़ा सी बड़ी रहती है, मैं देखिए इसे फुल साइज में आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों को डिले कंपनसेशन दिया गया है। यहाँ पर आप कॉलम नंबर 10 में देखिए जिन्हें मात्र 2 रूपए का डिले कंपनसेशन दिया गया है क्योंकि इनका जो डिले पेमेंट था वह 3156 का था और जब आप इसका 0.05% निकालते हैं वह तकरीबन 2 रूपए के आसपास होता है। इस प्रकार आप स्क्रॉल डाउन करके और भी सभी लोगों के देख सकते हैं कि किन किन लोगों को यह डिले अमाउंट कितना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए मेरे दोनों नंबर हैं, पहला नंबर मेरा कॉलिंग का है और दूसरा नंबर मेरा व्हाट्सएप का। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।